जय शंकर जी, जय श्री राम, सीताराम, हर हर महादेव। अक्सर हमारी माताओं बहनों के मन में एक सवाल रहता है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद, क्योंकि शादी के बाद अपने घर में सबका ध्यान रखते रखते वो इतना पूजा पाठ नहीं कर पाती जितना कि वो विवाह से पहले कर लेती हैं। तो अक्सर हमारी माताएं बहनें पूछती रहती हैं कि क्या घर का काम करने के बाद उनके पास जो समय मिलता है, कभी दोपहर में तो कभी खाना बनाने के बाद, जब कभी भी उनके पास समय मिलता है तो वो भगवान की पूजा तभी करने जाती हैं। तो क्या भगवान उनसे खुश होते हैं? वो तुरंत स्नान करके प्रभु को नहला धुला नहीं पाती। जब उनका घर का काम हो जाता है तभी वो प्रभु के पास जाकर उनकी पूजा कर पाती हैं। तो क्या उनकी उस पूजा में भगवान खुश हो जाते हैं? ऐसे कई तरह तरह के सवाल माताओं के मन में चला करते हैं। तो उनकी इसी सवाल का जवाब हमें पुराण से मिला है, जिसमें भगवान कृष्ण स्वयं माताओं के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद उनके लिए अपनी पूजा के लिए क्या बताते हैं। तो वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि माताएं भोर में यानी सुबह प्रातः काल में जब जागें तो जगते ही स्नान करते ही पूजा पाठ के लिए जावें, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने नहीं कहा। ये भगवान श्री कृष्ण का वाक्य है कि ब्रह्म विवर्त पुराण में कृष्ण खंड में ऐसा वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रातः माताएं जागें, घर का काम करें, झाड़ू पोछा जो भी कुछ काम है उसे पहले करें, फिर स्नान के तत्पश्चात बच्ची को गुरुकुल वगैरह भेज दें, फिर अपने पति को भोजन आदि खिलाकर, फिर घर का बचा काम जो भी है उन सभी कामों से निवृत्त होकर दिन में जब कभी भी माताओं को समय मिल जावे तब भी अगर वो भगवान की पूजा करती हैं तो भगवान उस पूजा को सहर्ष स्वीकार करते हैं। कितनी सुंदर बात भगवान कृष्ण ने कही है कि जो व्यक्ति मनुष्य सुबह से लेकर शाम तक मेरी पूजा करता उससे जितना मैं प्रसन्न होता हूँ उसके कई गुना अधिक मैं उस माता से प्रसन्न होऊंगा जो माता बहन गृहस्थ में रहकर अपने सास ससुर पति बच्चे को खिला पिलाकर दिन में जब भी उनके पास थोड़ा भी समय बच जाए तो भी अगर वो मेरी पूजा कर लेती हैं या मेरे दर्शन भी कर लेती हैं तो मैं उससे अधिक प्रसन्न हो जाता हूँ। इसीलिए नारी के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं कि वो 4 या 5 बजे उठकर ही मेरी पूजा करे तो ही मैं प्रसन्न होऊंगा। दिन में जब कभी भी नारी को समय मिल जाए, सुबह दोपहर शाम जब भी उसे मिल जाए, थोड़ा भी वक्त मिल जाए मेरे लिए तो भी मैं उसे तुरंत स्वीकार कर लेता हूँ। वहीं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो माताएं गृहस्थ में रहकर सबसे पहले अपने परिवार पे ध्यान देती हैं फिर मेरे पास आती हैं, मैं उसे अधिक प्रसन्न रहता हूँ। हर हर महादेव।